अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमीर अब्दुल्ला। मैं लाया हूँ आज आपके लिए ऑटोकैड की एक और वीडियो। आज प्रैक्टिकल वर्क की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है हाउ टू सेट यूनिट्स ऑफ ड्राइंग, हाउ टू सेट लिमिट्स एंड डायमेंशन सेटिंग सीखेंगे और ड्राफ्टिंग सेटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देखते चलते हैं ऑटोकैड पे। और सबसे पहले यूनिट सेटिंग, यूनिट सेटिंग कैसे की जाती है, यू एन एंटर, कीबोर्ड से टाइप करेंगे आप यू एन, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू विंडो अपेयर हो जाएगी ड्राइंग यूनिट्स के नाम से। अब देख सकते हैं इसमें सबसे पहले टाइप पूछी हुई लेंथ में, टाइप कौन सी देना चाहते हैं, हम किस में वर्किंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम आर्किटेक्चरल का वर्किंग कर रहे हैं, आर्किटेक्चरल में सिलेक्ट करेंगे इधर से। जरूरी नहीं होता कि आप आर्किटेक्चरल सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आप मैकेनिकल का वर्क नहीं कर सकते, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें वर्किंग नहीं हो सकती, इसका कोई खास इश्यू नहीं है या कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। आप आर्किटेक्चरल के अंदर ही मैकेनिकल की ड्राइंग्स भी बना सकते हैं, जस्ट जो चीजें मतलब चेंज करनी होती है वो हमने यूनिट्स स्केल चेंज करना होता है, अपने मिलीमीटर्स में काम करना या इंचीज में काम करना या किसी और यूनिट्स की। प्रिसेशन हम सिलेक्ट करेंगे 0 फुट 0 इंच, इसके अलावा भी और बहुत से ऑप्शंस हैं, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इन ऑप्शन का काम होता है, किस लिए इस्तेमाल होती है। इंचीज में यहाँ पे आर्किटेक्चरल का वर्किंग जो है इंचीज में ही होती है। बहरहाल अगर आप फिट में करना चाहते हैं, माइल्स में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, तो बहुत सारे स्केल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंचीज सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे, सिंपली ओके बटन प्रेस करें, आप यूनिट सेटिंग हो चुकी है। यूनिट सेटिंग से मुराद, ड्राइंग यूनिट से मुराद ये है कि आप जो भी ड्राइंग बना रहे हो उसकी वर्किंग आपने किस में करें, इंचिस में, फिट में या किसी और यूनिट के अंदर जी। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग हम देखेंगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, उसके लिए कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे, डी के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स एक और बात, यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर एंटर से मुराद सिर्फ एंटर नहीं होता, हम एंटर की जगह पे स्पेस का बटन भी यूज कर सकते हैं। मैं स्पेस का बटन यूज करता हूँ क्योंकि उसके ऊपर मेरा इजीली हाथ चल जाता है, तो जो आपको इजी लगे आप वो प्रेस कर सकते हैं। एंटर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है स्पेस भी आप प्रेस कर सकते हैं या एंटर, तो डी स्पेस या एंटर। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे मॉडिफाई में, मॉडिफाई पे क्लिक करें और मॉडिफाई के बाद यहाँ पे हमने प्राइमरी यूनिट्स में सेटिंग करनी है। यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग है, लाइन, सिंबल्स, एरोज, चेक्स, लेकिन अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं मैं आपको लेके जा रहा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे तो ये साथ साथ चीजें ये सारी कवर होती रहेंगी। लाइंस का क्या मकसद है, सिंबल एंड एरोज क्या चीज है, टेक्स्ट, फिट में, प्राइमरी यूनिट्स। तो प्राइमरी यूनिट्स में यहाँ पे हम यूनिट्स फॉर्मेट सेट करेंगे वही जो हमने उधर ड्राइंग यूनिट्स में सेट किया, आर्किटेक्चरल और प्रिसिशन 0 फुट 0 इंच। और उसके बाद टेक्स्ट में आ जाते हैं, ये हमारे पास एक प्रीव्यू विंडो शो हो रही है साइड पे, तो प्रीव्यू विंडो में आप देख सकते हैं ये हमारा डायमेंशन का साइज शो हो रहा है, 1 इंच 1 इंच, 60 डिग्री वगैरह ये सारा। ये टेक्स्ट की हाइट कितनी ड्राइंग में शो हो, अगर आप बहुत बड़ी ड्राइंग बना रहे हैं कोई 200 400 500 फीट के अंदर, तो अगर आप ये वाले यूज करते हैं टेक्स्ट हाइट, ये बहुत स्मॉल है, उसमें नजर ही नहीं आएगी आपको ड्राइंग के अंदर, तो उसके लिए प्रॉपर जो है आप अपनी जरूरत के मुताबिक, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है आपका जिस पे आप काम कर रहे हो उसके मुताबिक आपने जो टेक्स्ट हाइट सेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 8 इंच सेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे इंच का सिंबल नहीं शो करवा रहा, क्योंकि खाली 8 का मतलब इंच ही होगा, क्योंकि अभी जो हमने इससे पहले वाली जो सेटिंग की है ड्राइंग यूनिट, उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कर दिया है कि हम ड्राइंग यूनिट्स हमारे कौन से होंगे, कौन से यूनिट्स के अंदर हम वर्किंग करेंगे, तो वहां पे हमने इंचेस सिलेक्ट किए थे, तो सिर्फ 8 का मतलब 8 इंच होगा, अगर आप 10 लिखते हैं तो वो 10 इंच होगा, आपको साथ सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 8। उसके बाद ये जो प्रीव्यू शो हो रहा है इस वक्त हॉरिजेंटल, आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट हॉरिजेंटल लिखा हुआ, ठीक है, तो अगर आप इसको चाहें अलाइंड विद डायमेंशन लाइन अगर ओरिजेंटल है तो आपका टेक्स्ट भी ओरिजेंटल हो जाएगा, अगर आपकी डायमेंशन लाइन वर्टिकल है तो आपका टेक्स्ट भी वर्टिकल हो जाएगा, जिस भी एंगल में आपका टेक्स्ट होगा उसमें लाइंस होंगी, उसमें आपका
टेक्स्ट भी हो जाएगा। आईएसओ स्टैंडर्ड है, तो जो आप चाहें वो अपनी जरूरत के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लाइन विद डायमेंशन लाइन सेटिंग कर रहा हूँ, तो डायमेंशन लाइन और देन ओके करें। फिलहाल मॉडिफाई में यही दो मेन टैब थे, सेट करंट का बटन प्रेस करें देन क्लोज। नहीं, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर डायमेंशन सेटिंग भी हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद एक हमारे पास सेटिंग है ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए हमारे पास जो शॉर्ट कमांड होती है ओ एस एंटर, वैसे एंटर करेंगे तो हमारे पास ड्राफ्टिंग सेटिंग आ जाएगी। ड्राफ्टिंग सेटिंग में यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आप एंड पॉइंट मिड पॉइंट ये सारे सिलेक्ट है। तो अगर फर्स्ट टाइम वर्किंग कर रहे हैं, सेटिंग पहले नहीं की हुई, तो ये आपको करनी पड़ेगी। तो एहतियातन आप जब भी वर्किंग करें ओ एस एंटर करें और इसको सिलेक्ट ऑल करके ओके करें, ताकि इसका मकसद ये होता है। अब यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइन लगा लेता हूँ। एल एंटर इसकी कमांड होती है एल, तो ये आप देख सकते हैं नीचे एल से जितने भी कमांड शुरू होते हैं वो सारी यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। बहरहाल हमने एल एंटर कर देंगे तो हमारी लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे हम एक लाइन लगा रहे हैं, क्लिक किया मैंने, और जब आपने कोई भी कमांड खत्म करनी होती है उसको छोड़ना होता है, तो ये अपनी लाइन की कमांड एक्टिव की, अभी तक एक्टिव ही है, अपनी लाइन लगा भी ली है। उसके बाद आपको एस्केप का बटन प्रेस करना पड़ेगा, फिर ये कमांड खत्म होगी। अब आप देख सकते हैं एक बार फिर लाइन की कमांड एक्टिव करते हैं एल एंटर। अब ये देखेंगे ये आपको बताएगा कि कहाँ पे आपका एंड पॉइंट, ये बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर जब आपका माउस आ जाएगा आपको शो करवाएगा ये एंड पॉइंट है। इस तरफ मूव करते हैं तो ये आपको मिड पॉइंट भी शो करवा रहा, ये मिड पॉइंट, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं इसी तरह ये सिर्फ लाइन है इसका, उसने एंड पॉइंट आपको शो करवाया या मिड पॉइंट शो करवाया। अगर आप रेक्टेंगल लगाते हैं तो उसके भी एंड पॉइंट शो करवाएगा, सर्कल लगाते हैं तो वो आपको उसका मिड पॉइंट भी शो करवाएगा। तो ये इस कमांड का जो है बेनिफिट है, ओ एस एंटर, ये अपने सिलेक्ट ऑल करना और ओके कर दे। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास, ये मैंने सिलेक्ट किया तो इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, अब हमने अभी वर्किंग की है तो आप देख रहे हैं कि लाइन लगाई थी, जब हम इसको माउस के साथ, ये माउस के ऊपर हमारे पास स्क्रोलर होता है, इसकी मदद से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ये भी एक टूल बार पड़ी हुई है, जूम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रोटेट करना चाहते हैं ऑर्बिट की मदद से अपने प्रोजेक्ट को, पेन की मदद से पकड़ के लेफ्ट राइट मूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप ये देख। जब आप इसको जूम इन या जूम आउट करते हो माउस के स्क्रोलर की मदद से, तो ये आप देख रहे हैं कि आपके एक्सिस जो है ये भी साथ मूव कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब हम ड्राइंग बना रहे हो तो ये हमें साथ डिस्टर्ब ना करे, ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए यहाँ पे कॉर्नर पे। तो उसके लिए यूसी एंटर, यूसी एंटर जब आप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेटिंग के टैब में हम आ जाएंगे। तीन टैब है, लास्ट टैब सेटिंग का, डिस्प्ले एट यूसीएस ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करें और ओके कर दें इसको सिंपली। आप देख सकते हैं आपका एक्सिस जो है वो अपनी जगह पे कॉर्नर में फिक्स हो गया। अब जितना भी जूम इन जूम आउट करेंगे वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं आपकी जो ड्राइंग है, ड्राइंग के बेस में बैकग्राउंड पे कुछ ग्रिड्स शो हो रहे हैं बॉक्सेस की सूरत में, इनको ग्रिड्स कहते हैं। ग्रिड्स को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हो कि ये शो ना हो, तो उसके लिए ये हमारे पास नीचे एक बार दी हुई है, इसमें आप ग्रिड्स को हाइड भी कर सकते हो या फिर शो भी करवा सकते हो। ये हमारे पास कमांड है ग्रिड डिस्प्ले की, इसको आप F7 की मदद से ऑन भी कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं। अगर यहीं पे क्लिक कर दें तब भी ऑन हो जाएगा, ये हमने ऑफ कर दिया इसको। और उसके बाद लास्ट कमांड जो हमारे पास रह गई है लिमिट्स की। लिमिट्स ऐसी कमांड है, ये अगर आप नहीं भी सेट करते तो कोई इतनी जरूरी नहीं है कि उसके बगैर काम नहीं हो सकता। जस्ट एक एरिया होता है, हमने सिलेक्ट कर लेना होता है कि इस एरिया के अंदर रहते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो हम सब अप्लाई करते हैं LIMITS लिमिट्स। उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे, एंटर अगेन एंटर। तो यहाँ पे आपने मैं फॉर एग्जाम्पल 100 फिट दे रहा हूं,
और राइट कॉर्नर, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे और आप देखें कि जो एक कॉर्नर था वो फिक्स्ड हो गया, लॉक्ड हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो भी 100 फिट लगाएंगे और एंटर। ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। आज का हमारा जो लेक्चर था यहीं तक था बेसिक सेटिंग्स के ऊपर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन्स में। अल्लाह हाफिज़।